नूब, अच्छे से खेलना यार। आरुषि सामने एनिमी खड़ा है, तू क्या कर रही है खड़े खड़े? सामने नहीं, आपके पीछे देख, भाई पीछे एनिमी है, किल कर। आरुषि मुझे रिवाइव तो कर तू पहले। क्या भाई, लास्ट प्लेयर है, लास्ट प्लेयर है, पीछे जा, पीछे जा, मार 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 मार। चलना ये सब साफ कर लेते हैं, बुआ जी आके ये सब देखेगी ना तो फिर बहुत गुस्सा करेगी। पापा ने बुआ जी को बुलाया क्यों है रहने के लिए? 2 दिन के लिए बाहर गए थे, संभाल लेता घर और तुझे। बुआ जी की क्या जरूरत थी? ऐसा मत बोल भाई, शी इज फैमिली। और वैसे भी पापा कहते हैं ना, एक हाथ की 5 उंगलियां एक समान नहीं होती। ये वाली उंगली ज्यादा छोटी नहीं हो गई? डेविल का नाम ले और डेविल आ गया। ऐसा मत बोल भाई, बुआ जी सुनेंगी। ये ले। कैसे हो तुम दोनों? अच्छे। प्रणाम बुआ जी। खुश रहे। मुश्किल हो रही होगी ना पापा के बिना, मन नहीं लग रहा होगा। चलो अब मैं आ गई हूँ, मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगी। आरुषि ये सब क्या है? घर का ख्याल रखना लड़कियों की जिम्मेदारी होती है। तेरे पापा ने ना तुझे सिर पे चढ़ा के रखा है, चल जल्दी से सफाई कर। सॉरी बुआ जी। वो बुआ जी, घर तो हम दोनों ने गंदा किया है। ये छोटे मोटे काम है, आरुषि कर लेगी। वैसे भी लड़कियों का सेकंड नेचर होता है घर का ख्याल रखना। तू मेरे पास आ, आजा। क्या बना रहे हो बुआ जी? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ तो काम कर, जाके ना पहले भाई को खाना देकर आ, जा। भाई को पानी के लिए पूछा, जा पानी देकर आ, जा। बुआ जी। अरे इतनी क्या पड़ी है तुझे खाने की? ये ले पहले भाई को देकर आ, जा। बुआ जी भाई ने खाना खा लिया, अब मैं खा लूं प्लीज, बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ बेटा खा ले, मैंने कब मना किया? पहले लेकिन आके रोटी बनाना सीख, देख कैसे बनाते हैं। आ अभी अभी? अरे अभी नहीं तो कभी नहीं, वैसे भी लड़कियों को घर के कामकाज करना आना चाहिए ना। चल जल्दी से आ, रोटी बनाना सीख। वो ना बुआ जी, मुझे रोटी बनाना अच्छा नहीं लगता। हर चीज जो अच्छी लगती है ना वही करने को मिल जाए, ऐसी किस्मत नहीं होती औरतों की। चल आजा रोटी बना। बुआ जी मुझे सिखा दो रोटी बनाना। अच्छी को खाना खाने दो, जा अपनी प्लेट लगा, आज मैं रोटी बनाऊंगा। हाय राम, घर में 2 औरतों के होते हुए तू रोटी बनाएगा? बुआ जी पापा भी बनाते हैं और उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत सिखाया है। आजकल सारा काम लड़कियां करे ऐसा जमाना नहीं है। तू चुप कर, जिसका काम उसे ही साजे। तू आ, तू यहाँ पर आ रोटी बना, ठीक है? मैं मक्खन लेकर आती हूँ। ज्यादा हो रहा है। कोई बात नहीं भाई, 2 दिन की तो बात है, चिल कर, कर लूंगी मैनेज। भाई ये तू क्या कर रहा है? तूने आज रोटी बनाना सीखी है, तुझे कुछ तो मिलना चाहिए ना। चल आई विल ऑर्डर अ न्यू ड्रेस फॉर यू, और फिर हमें पार्टी के लिए भी न्यू ड्रेस हो जाएगी ना। अच्छा और न्यू ड्रेस के लिए पैसे कहाँ से आएंगे तेरे पास? बिनोमो से। बिनोमो से? हाँ मैं अपने छोटे मोटे खर्चे ना बिनोमो ऐप से निकाल लेता हूँ। बिनोमो ऐप इज माई ऑनेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ये देख मेरे अकाउंट में 16,871 रुपीज है। आपको जितने पैसे डिपॉजिट करने हैं आप यहाँ डिपॉजिट कर सकते हो। अब मुझे इसमें एसेट चूज करना है और अब मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट चूज करना है, तो मैं कर रहा हूँ 3,500। अब मुझे प्रेडिक्ट करना है कि ये ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। मुझे लगता है ये जाएगा अप। देखा ऋषि, सिर्फ प्रेडिक्ट करने से हमें प्रॉफिट हुआ है। मैंने अपने पैसों को 3,500 से 4,900 बना दिया। वाओ! अब मुझे जब चाहिए मैं ये अमाउंट विड्रॉ कर सकता हूँ और तेरे लिए न्यू ड्रेस ले सकता हूँ। Yes. And the best part is this app gives you 24/7 customer support.
सो वी कैन कॉन्टेक्ट देम व्हेनेवर वी वांट. चल अब तेरे लिए ड्रेस लेते हैं. वाह भाई, तू स्वीट तो है ही लेकिन इंटेलिजेंट भी है. अच्छा बता कौन सी ड्रेस चाहिए. माय फर्स्ट पार्टी. थैंक यू सो मच भाई मुझे अपने साथ लेके जाने के लिए. बहुत चिल सीन है. थोड़े से फ्रेंड्स होंगे, बोर्ड गेम्स होंगे, हम बातें करेंगे, मजा आएगा. आरुषि कहाँ जा रही है तू? बुआ जी मेरे साथ पार्टी में जा रही है. कहीं नहीं जाएगी तू. पर बुआ जी मेरे साथ जा रही है, उसके फ्रेंड्स भी वहां होंगे. आप टेंशन मत लीजिए, मैंने पापा से परमिशन ले ली है. अच्छे घर की लड़कियां इतनी रात को बाहर नहीं जाती. तू कहीं नहीं जाएगी. तू जा, तू पार्टी करके आ. ये कौन सा रूल है? तू अभी छोटा है, तू नहीं समझेगा. देख मैंने तुम दोनों की जिम्मेदारी ली है तो मैं तो नहीं जाने दूंगी. ठीक है आरुषि, हम घर पे ही पार्टी करेंगे. मुझे भी नहीं जाना पार्टी में. अगर लड़कियों का बाहर घूमना अलाउड नहीं है तो लड़कों का भी नहीं होना चाहिए. चल भाई तू चला जाना पार्टी में. जब बुआ जी अपने घर चले जाएंगे ना मैं तब चलूंगी तेरे साथ. नहीं आरुषि मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा. अगर बुआ जी का बस चले ना तो तुझे 1940s में ट्रांसफर कर दे. बहुत पेटी माइंडसेट दिस वुमन हैज. सुन लेंगी. चल तू. आरुषि बुआ जी मैं देख के आता. क्या हुआ आरुषि, रो क्यों रही है तू? आरुषि मुझे नहीं बताएगी तू? भाई वो एक लड़के ने मुझ पर बहुत गंदा कमेंट किया. I'm so sorry. पर तू क्यों सॉरी बोल रहा है? सब लड़कों की तरफ से. कुछ लड़के सोचते ही नहीं है कि जब वो ऐसे गंदे कमेंट करते तो लड़कियों को कैसा लगता होगा. पर सब लड़के ऐसे नहीं होते आरुषि. वो तो मुझे पता है क्योंकि मेरा भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है. आई होप तूने उस लड़के को बहुत अच्छे से सुनाया हो. सिर्फ काली भी. बहुत अच्छा किया. कुछ अच्छा नहीं किया. क्या जरूरत थी सुनाने की? तुझे नहीं पता कि लड़के कैसे होते हैं और क्या कर सकते हैं? अगर कल को किसी ने एसिड फेंक दिया तो क्या होगा? पूरी जिंदगी तेरी खराब होगी. और ये क्या पहन रखा है तूने? ऐसे कपड़े पहनकर अगर बाहर जाएगी तो लड़के तो छेड़ेंगे ही ना तुझे. बस हो गया बुआ जी, मैंने सुना था, आज देख भी लिया. औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है. चला जी. आज जो हुआ वो सही नहीं हुआ. हाँ तुझे ना बुआ जी को ऐसे टॉन्ट नहीं मारना चाहिए था. औरत ही औरत की दुश्मन होती है. मैं अपनी एक लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो बुआ जी ने तुझे कहा. मेरी एक बात जान ले, वुमेन आर स्ट्रॉन्गर देन मेन. तेरे पास इतनी सारी सुपर पावर्स हैं, उनको यूज करने से कभी मत डरना. ना कोई लड़का तुझ पे कमेंट कर सकता है और ना ही कोई रिलेटिव टॉन्ट मार सकता है. आरुषि मैं हर जगह तेरे साथ नहीं रहूंगा, अपने लिए लड़ना सीख. भाई कभी कभी चुप रहना भी ना बहुत बड़ी सुपर पावर होती है. तू बहुत समझदार है. पिंकी प्रॉमिस कर तू किसी के आगे झुकेगी नहीं. पिंकी प्रॉमिस. मैं झुकेगा नहीं साला. पर तेरे जैसा भाई हो ना तो मुझे किसी भी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं. वो तो है. गोलू रुक तू. बुआ जी थैंक यू हमारे साथ रहने के लिए. झूठ तो बोल मत. वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ पे सही और गलत सिखाने नहीं आई थी. वो तो तुम्हारी माँ नहीं है इसलिए. कल मैंने ऐसा क्या बोल दिया था आरुषि को जो तूने इतनी बड़ी बात बोल दी?
बुआ जी प्लीज बैठिए। मुझे पता है जो दादू और दादी ने आपको सिखाया है आप वही हमें सिखा रहे हो, पर जमाना बदल गया बुआ जी, हम 2022 में जी रहे हैं। आजकल के लड़के भी उतना ही खाना बनाना सीखना चाहते हैं जितनी लड़कियां। दोनों काम करना चाहते हैं, दोनों कमाते हैं और दोनों घर चलाते हैं। कल आपने आरुषि को इतनी आसानी से कह दिया कि अगर कोई लड़का उसे छेड़ रहा है तो उसमें उसकी गलती है। क्यों है आरुषि की गलती बुआ जी? अगर हम लड़कियों को इज्जत देना सिखाते हैं तो लड़कों को भी सिखाएं ना। अगर लड़कियों की घर चलाना जिम्मेदारी है तो लड़कों की भी है, वो भी तो उसी घर में रहते हैं, वो भी उसी घर में खाना खाते हैं। सारा बोझ हम लड़कियों पे डालते हैं फिर आप लोग उन्हीं को कमजोर कहते हो। हमारे पापा ने ना मुझ में और आरुषि में कभी कोई फर्क नहीं किया और हम भी इसी तरह जीना चाहते हैं। अगर आप लोग भी इस बात को समझ जाए ना तो हम सबकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। हमेशा ऐसे ही खुश रहो। तुम दोनों अपना ध्यान रखना। जी बो। गाइज आप वेट क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ और बिनोमो ऐप को डाउनलोड करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आप हमारा लिंक यूज करते हैं तो आपको $1000 आपके डेमो अकाउंट पे मिलेंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर रियल अकाउंट में थोड़ी बहुत रियल मनी अर्न कर सकते हो और अपनी बहनों को ड्रेस दिला सकते हो। अच्छा। एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, लेट्स मेक दिस वीडियो गो वायरल। प्लीज प्लीज।